एक चीज होती है कानून की, शख्स को थप्पड़ मारना कितना उचित था? आगे कुछ बोले तो मैं गाड़ के रख दूंगी, पुलिस भी नहीं बचा पाएगी आपको अगर मेरे साथ बदतमीजी की है। टोको टोको, दो में वो नहीं समझे तो अब तोड़ो है। और महिला होने के नाते वो मुझे हाथ नहीं लगा सकते थे, दामाद बना के पाल रहे हो उनको, उनको नहीं बचाया गया, उनके दामादों को करके दो पुलिस वाले को लाइन अटैच किए हैं। उनके जो पादरी घूम रहे थे, सीधी सी बात बोलती हूँ, जो यहाँ के शासन है उनका दामाद है बोलती हूँ मैं तो। अब ज्योति शर्मा मुझसे, मेरे लिए उन्होंने FIR का मांग किया, तत्काल मेरे लिए FIR हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला द्वारा एक पास्टर को थप्पड़ मारा जा रहा था, और वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसमें दो आरक्षक और खुद उस महिला पे भी FIR दर्ज हो गया। वो महिला इस वक्त मेरे साथ हैं, नाम ज्योति शर्मा है। और सबसे पहले मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या मामला हुआ था उस दिन? 12-13 लोग थे, उसमें 9 महिलाएं थी, बाकी पुरुष लोग थे। सबके सब इकट्ठे Sector 1 में इंटर मारे, तो हमारे भाइयों को थोड़ा सा शक हुआ, जो हिंदू आदि हैं जो वहाँ Sector 1 में घूमते रहते हैं, ये पूरा नया चेहरा कौन है। और सभी बैग लटकाए हुए थे, स्कूल बैग लटकाए हुए थे, तो थोड़ा सा उन लोग उनका आगे पीछे देखे कि कर क्या रहे हैं इन लोग, किसी सामान वामान बेचने आए गए, तो वो सामान वामान कुछ नहीं किए। फिर दो दो की संख्या में सड़क Sector 1 में, सड़क 6, 7, 8 और सी मार्केट में दो दो की संख्या में बढ़ गए। बटने के बाद हमारे भाई लोग भी ध्यान रखते रहे कि लोग बट क्यों रहे, क्या कर रहे हैं। तो बाहर में जितने महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, उनके पास जा के उन लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, देखो आप लोग कितने गरीबी में रह रहे हैं, आपका जो तबीयत खराब वाले बुजुर्ग बैठे थे, देखो तबीयत खराब है आपका, आप हमारे धर्म में इसको पढ़िए, इसको आ जाइए तो फिर आप लोग ठीक हो जाएंगे, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी, ये बोल रहे थे। जैसे ही वो बोल के उस स्ट्रीट से निकल रहे थे, तो हमारे जो भाई पीछा कर रहे थे, वो उनसे पूछे कि उन लोग क्या बोले करके, क्योंकि हमको तब तक नहीं मालूम था, थोड़ा दूरी बना के रखे थे कि उन लोग बोल क्या रहे हैं। तो उन्होंने बताया, तो हमको समझ में आ गया मेरे भाइयों को कि इन लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने सबको ईसाई धर्म में आने के लिए बोल रहे हैं, लालच दे रहे हैं करके। फिर उन लोग सबको इकट्ठा करना चालू किए, दो लोगों को रोके, उन लोग जो घूम रहे थे उनको बोले कि आप लोग इतने लोग यहाँ आए हैं, 12 लोग Sector 1 से इंटर मारे हैं, सबके सब इकट्ठा हुई है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर आके सबको लालच दे रहे हैं और क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बोल रहे हैं करके। तो फिर उन लोग बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलते, मेरे पास आप लोग जहाँ जहाँ जाके बोले हैं सबसे मैं बात किया हूँ, और सबको इकट्ठा कीजिए। तो फिर उन लोग सबको फ़ोन करके इकट्ठा करने लगे, तो महिलाएं इकट्ठी हुई, तो मेरे भाई लोग 3-4 जो अपने वही Sector 1 के हैं, जो हिंदू आदि विचारधारा के हैं, जो उनका पीछा कर रहे थे, वो महिलाएं उन पर हावी हुई। उसी बीच में मेरे भाई लोग मुझे भी फ़ोन किए, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा दूर में है, मैं सड़क 30 में रहती हूँ, तो बोले दीदी कहाँ हो, मैं बोली घर में हूँ भाई, तो ये ऐसा सा घूम रहे हैं अपने Sector 1 में देखो करके, सबको लालच दे रहे हैं धर्मांतरण करने के लिए, उनको बोल रहे हैं कि आ जाइए यीशु मसीह को मानिए आप ठीक हो जाएंगे करके। मैं भी पहुंची, तो उनके साथ में जो पादरी थे, तो मैं उनसे सवाल जवाब करती हूँ, बोलते आप कौन होते हो हमको रोकने वाले। मैं बोली एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं हिंदुत्व का कार्य करती हूँ, मैं अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तो उनका कहना था कि आप होते कौन हो, बड़ी आई है ऐसा करके मुझे उन्होंने एक अपशब्द कहा, ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, उन्होंने अपशब्द कहा मुझे। तब तक पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, किसी ने हमारा बहस होते फिर देखा, तो वहीं पर के किसी ने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस भी आ गई थी। जब उन्होंने अपशब्द कहा मुझे, तो मैंने एक थप्पड़ उनको मारा, तो उन्होंने बेशरम टाइप के और कहा, और कुछ कर सकती हो, वो दांत दिखा के मुझे ऐसा बोले, मतलब सीधी सी बात है मुझे, और वो चिढ़ाने लग गए, और कुछ कर सकती हो क्या कि मैं कुछ करूं। तब मैंने उनका गला पकड़ा, मैं बोली आगे कुछ बोले तो मैं गाड़ के रख दूंगी, पुलिस वाला समझ रहे हो आप, तो फिर पुलिस भी नहीं बचा पाएगी आपको अगर मेरे साथ बदतमीजी की है तो। ये मेरा शब्द है जहां मेरा वीडियो वायरल हुआ, आप सभी ने सुना होगा कि अगर बदतमीजी की है यहां तो मैं गाड़ के रख दूंगी। और ये मैं बिल्कुल खुले तौर से कहती हूँ कि अगर कहीं भी मुझे ये लोग मिलते हैं धर्मांतरण करवाते हुए, लालच देते हुए, तो अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको। मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके निकली हुई हूँ, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पूर्ण रूप से इनको मैं भगा के रहूंगी। इसके पहले भी हमको 5 जगह ये लोग मिले हैं, 6 जगह टोली टोली में मिलते थे, उनको हम लोग समझा समझा के जाने के लिए दिए हैं, तो हमारा तो अभी एक ही नारा चला है, रोको टोको, दो में वो नहीं समझे तो अब तोड़ो है।
तो मैं तोड़ना चालू की हूँ। जितने हिंदू भाई हैं, जो विचारधारा के हैं, बहन लोग हैं, सभी अब इनको तोड़ना चालू करेंगे। जिस तरह जिक्र बार बार हो रहा है कथित धर्मांतरण का, कई सारे जिक्र हो रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है ये तो लोग अपने अंतःपटल पे इसको देखेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है कानून की जी। इसमें पुलिस वाले वहाँ पर थे, उसके बावजूद भी उस शख्स को थप्पड़ मारना कितना उचित था आपके हिसाब से? सुनिए, पुलिस वाले वहाँ थे, पुलिस वाले को तो नहीं मालूम था कि वो आदमी मुझसे गलत व्यवहार करेंगे या मैं उनको थप्पड़ मारने वाली हूँ, ऐसा कुछ वहाँ पर था नहीं। वो तो मुझे बोले तो पुलिस वाले तो मुझसे दूर में थे, और महिला होने के नाते वो मुझे हाथ नहीं लगा सकते थे, और उनको भी नहीं मालूम था कि ये थप्पड़ मारने वाली है। तो जो पुलिस के ऊपर में जो कार्रवाई किया गया है वो सरासर गलत है। ऊपर से दबाव में उनका कहना ये है कि उनके जो पादरी घूम रहे थे, सीधी सी बात बोलती हूँ, जो यहाँ के शासन है उनका दामाद है, बोलती हूँ मैं तो, अब दामाद बना के पाल रहे हैं उनको, उनको नहीं बचाया गया, उनके दामादों को करके दो पुलिस वाले को लाइन अटैच किए हैं वो, सीधा सीधा यही बोल रही हूँ मैं। पूरा मामला आप बोल रही हैं कि जो पुलिस का इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, दबाव पे आप बोल रही हैं। बिल्कुल दबाव में, ऊपर से प्रशासन से इनको दबाव दिया गया है कि पुलिस वालों को हटाया जाए। क्या गलती थी पुलिस वालों की, मैं ये पूछना चाह रही हूँ वहाँ पर। उनको थोड़ी मालूम था कि वो आदमी मुझसे भद्रता करेंगे और मैं उनको मारूंगी, वो तो तुरंत में हुआ, सभी देख रहे हैं, तो पुलिस वाले उनको कैसे बचाते। ऊपर से इनको बोला गया है, जो दो पुलिस वाले दिख रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए, लाइन अटैच किया जाए। तो आप कह रहे हैं इंस्टेंट जो वाकया हुआ वो सारा चीज़ ऐसा हुआ। इसमें ये एक चीज़ है कि आज आप लोग थाने का घिराव करने पहुंचे थे, रैली निकली BSNL चौक से और बेरोजगार चौक तक पहुंची, वहां पे बैरिकेड लगाया और रोका गया। उन तमाम के दरमियान एडिशनल SP संजय ध्रुव से जो बातचीत हुई उसको लेकर के आपने उसको लेकर के बताइए कुछ कि क्या उन्होंने कहा है। सर ने कहा है, हमने तो सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि हम परसों जब उनके लिए FIR के हमने दिया है आवेदन कि इन सब पे FIR नाम जद दिए हैं, किया जाए, नहीं किए। आप उन लोग आके FIR के लिए, ज्योति शर्मा मुझसे, मेरे लिए उन्होंने FIR का मांग किया, तत्काल मेरे लिए FIR हो गया, कोई जांच नहीं। आज हम उनसे मांग किए तो बोलते हैं ठीक है, हम 7 दिन में करेंगे, हम जांच करेंगे। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं उनसे, उनके लिए हर समय जांच होता है, हमारे लिए तत्काल कार्रवाई होती है। रायपुर में भी मेरे भाइयों पर तत्काल कार्रवाई हुई है, उनके लिए दो दो तीन तीन महीना जांच होता है। डेरा बस्ती का मामला ले लीजिए, मोहन नगर का ले लीजिए, देवबलोदा का ले लीजिए, जामुल का ले लीजिए, 2 महीने के अंदर का है, जहां मैं ही उपस्थित थी सभी जगह। तो यहां सिर्फ जांच ही चलता है उनके लिए, और हमारे भाई और बहनों पे हमेशा कार्रवाई तत्काल में होता है। तो ये कौन सा कानून है ये मुझे बता दे कि एक पक्षीय इन लोग कार्रवाई करते हैं। हम उसी को मांग को लेके आज मेरे भाई लोग, सभी हिंदू संगठन के लोग, हम एकत्र हुए थे। तो ये थी ज्योति शर्मा जिनसे, जिन्होंने बताया कि क्या वाकया हुआ था उस दिन और क्या सारी चीज़ें उस दिन घटित हुई थी। उसके बाद जो भी हुआ वो खबरों के माध्यम से, सुर्खियों के माध्यम से आप लोगों के बीच सामने हैं। सीमांत कश्यप, भिलाई टाइम्स से धन्यवाद, जो इस विषय के लिए आपने मीडिया सहयोग किया। आज जो विषय है यह आप भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो धर्मांतरण नाम की दीमक हिंदू समाज को खाए जा रही है, उसके रोष व्यक्त करने के लिए आज हिंदू समाज रायपुर राजधानी पर निकला है, और इन धर्मांतरण करने वालों को यह बताना चाहता है कि आप जो एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में दवा, एक हाथ में शिक्षा की पुस्तक और एक हाथ में बाइबल लेकर के जो हमारी भोली भाली जनता को बहका के धर्मांतरित कर रहे हैं, यह कार्य आपका उचित नहीं।